दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले एक साल से जेल में बंद है। 26 फरवरी 2023 को ही मनीष की गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हुई। जेल अधिकारियों ने कहा कि मनीष सिसोदिया ज्यादातर वक्त जेल के अंदर बिताते हैं। इस बीच उनके जेल की दिनचर्या सामने आई है। तिहाड़ के एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने बताया कि जेल के वार्ड नंबर 9 में बंद मनीष सिसोदिया अपने लिए आध्यात्मिकता और शिक्षा पर किताबें लेते हैं और अपने दिन का ज्यादातर वक्त उसे पढ़ने में बिताते हैं। अधिकारियों ने कहा कि जेल में काफी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। एक जेल अधिकारी ने कहा, वो मैनुअल के अनुसार सभी जेल नियमों का पालन करते हैं। उनका हार भी अन्य कैदियों के समान है। बैरक सुबह 6 बजे खुलती है और जब कैदियों को अंदर जाने की अनुमति होती है और प्रत्येक व्यक्ति की गिनती की जाती है। इसके बाद सुबह 8 बजे कैदियों को कुछ बिस्किट, चाय और दलिया दिया जाता है। अन्य कैदियों की तरह उन्हें भी दोपहर के भोजन में 11 बजे चपाती, सब्जियां और दाल दी जाती है। बैरक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच बंद रहती है, लेकिन जब बैरक खुलती है तब भी सिसोदिया ज्यादातर अपनी सेल के अंदर ही रहते हैं और या तो अखबार पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मनीष सिसोदिया चिकित्सक से सलाह भी लेते रहते हैं। एक अधिकारी ने कहा, तिहाड़ के अंदर रहने के दौरान उनकी ओर से कोई बड़ी शिकायत नहीं की गई है। जब उन्हें पहली बार यहां रखा गया तो उन्हें भगवत गीता ले जाने की भी अनुमति दी गई थी और ये भी अभी भी उनके पास है। हालांकि सिसोदिया किन बीमारियों की दवाई लेते हैं इसका खुलासा अधिकारियों ने नहीं किया। जिलाधिकारी ने साफ किया कि मनीष वर्तमान में वार्ड नंबर 9 में 6 कैदियों के साथ रहते हैं, जिनमें से कोई भी खूंखार अपराधी या गैंगस्टर नहीं है। मनीष सिसोदिया जेल में नियमित रूप से सेल के अंदर अपनी तपस्या का अभ्यास करने की अनुमति मिलती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।